हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के इस सेशन में हमने कवर किया है एसएससी सीएचसीएल प्री 2024 में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एसएससी सीजीएल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि केंद्र 2, 3 वाला एक वृत्त रेखा 4x+3y-7=0 को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, सबसे पहले हम एक फिगर से समझ लेते हैं। ये हमारा कोई वृत्त है और इसमें एक कोई स्पर्श रेखा जा रही है। केंद्र हमने मान लिया x1 y1 और इस रेखा का समीकरण हमने मान लिया ax+by+c=0। तो अगर हमसे कोई पूछ लेता कि इस आर का मान क्या है, और आर ये हमारा हमेशा इसके लंबवत होगी क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये आर की जो वैल्यू होगी वो होगी ए यहां से और x1 ये प्लस बी यहां से और y1 ये और ये आगे वाला सेम सी डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स और वाई के गुणांक का होल स्क्वायर का सम a² + b² ये हमारा एक सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है जिसमें हम रखकर ये मान निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है, सेम चीज है, 2, 3 ये हो जाएगा और समीकरण क्या है हमारा 4x+3y-7=0। अब जब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू निकल आएगी। पुट कर लेते हैं वैल्यू, ए कितना 4, x1 कितना 2, इसी तरीके बी कितना 3, y1 कितना यहां पर 3, -7 है यहां पे, माइनस सहित लेंगे। ठीक है, अगर यहां पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। -7 अंडर डिवाइड बाय अंडर रूट 4² + 3² x का गुणांक और y का गुणांक 4² + 3² और आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 8, 9, 8, 17, 17 में 7 गए 10, 4 × 16 + 9 = 25, अंडर रूट 25 यानी कि 5, 5 × 10 यानी कि 2 इकाई हमारी इसकी त्रिज्या निकल आई। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करती है और शेषफल 12 देती है, एन के कितने मान संभव हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि 732 में जब हम एन से डिवाइड करते हैं शेषफल कितना आता है, 12, हमारा शेषफल 12 निकल के आता है। ठीक है, अगर हम देख लें कि अगर इसमें 12 माइनस कर दें 732 में तो हमारा क्या मिलेगा, 720। तो हम जब 720 के गुणनखंडों से भी इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 ही शेषफल देना चाहिए, ऐसे गुणनखंडों के मान हमें बताने हैं। ठीक है, कितने एन के मान संभव होंगे वो ऐसे हम निकाल सकते हैं। 720 के गुणनखंड क्या होंगे, 720 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 4 × 8 × 16, 16 × 5 = 80, 3 × 240, 3 × 720 यानी कि, और आगे चले तो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 और 5 की घात 1, ये इनके गुणनखंड निकल आए। आपको पता होगा कि गुणनखंडों का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है, यहां से हम देखते हैं 4+1 कर देंगे गुणनखंडों का सम निकालने के लिए, 2+1 और यहां पर 1+1, यही तो करते हैं टोटल गुणनखंड निकालने के लिए, 5 × 15 × 30 यानी कि हमारा उसके गुणनखंड टोटल कितने निकल आए, 30। ठीक है, कितने गुणनखंड निकल आए, 30 गुणनखंड टोटल इसके निकलेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर 720 के गुणनखंड जो हमने निकाले तो उसमें कुछ ऐसे गुणनखंड होंगे जिससे हम 732 में जब भाग करेंगे तो 12 शेषफल नहीं बचेगा, और वो कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 12 से छोटे होंगे। ठीक है, क्योंकि इस गुणनखंड में तो वो भी शामिल है, जैसे एक एक भी शामिल है, दो भी शामिल है क्योंकि 2 से भी हमारा इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है,
सात से नहीं जाएगा, ये संख्या आठ से भी कटेगी, नौ से भी कटेगी, दस से भी कटेगी, ग्यारह से नहीं कटेगी, बारह से कटेगी। बस अब इसके ऊपर जो होगा हमारा पंद्रह संख्या होगी, जिससे हम पंद्रह से अगर इसमें भाग देंगे तो हमारा बारह शेषफल बचेगा, लेकिन अगर इन संख्याओं से अगर इसमें हम भाग देंगे तो हमारा बारह शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं बारह या बारह से छोटी हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे जो गुणनखंड थे यानी कि वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू थी, वो 30 थी। उसमें ये संख्याएं हट जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो 30 में 10 हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 20, यानी कि एन के संभव कितने मान हैं, 20 संभव मान हैं, जिससे हम 732 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 शेषफल बचेगा। आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया कि कर्ण आधार से दोगुना है, त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से कितना अधिक है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, और आसान है ही, थोड़ा सा कैलकुलेशन का इशू था इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज वाला एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 600 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि कर्ण आधार से दोगुना है, त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से कितना अधिक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कर्ण आधार से दोगुना है, यानी कि अगर हम इसको पी मानते हैं तो ये हमारा कर्ण जो है 2p होगा। अब एक चीज यहाँ पर ये सोचिए आप कि अगर ये पी है, ये 2p है, तो ये कितना निकलेगा, यानी कि 4p² में पी स्क्वायर माइनस कर दीजिए और उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो हमारा ये निकल आएगा √3p, पी हमारा अंडर रूट से बाहर है, ये चीज आप समझ गए। अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि पी इंटू √3p इक्वल टू कितना, 600। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से पी स्क्वायर, बाकी चीजें हमने उधर ट्रांसफर कर दी, 600 इंटू 2/√3, हमने √3 ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 3 हो गया, 3 से हमने इसको काट दिया तो 200 बचा। ठीक है, तो ये 400 इंटू 200 दूनी 400, और ये √3 की वैल्यू कितना, 1.732, ये पी स्क्वायर की वैल्यू। और आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, बहुत जल्दी आपको आइडिया लग जाएगा क्यों कराए हमने, इस दो जीरो से हमने ये दशमलव यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 आ गया, 4 × 2 = 8, दशमलव लगा दिया, 4 × 3 = 12, और 4 × 7 = 28 = 29। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है अभी, थोड़ा सा इसको, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28 = 29, 2 × 4 = 4 = 6। ठीक है, और दशमलव हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ये हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें अंडर रूट लगा देंगे। अब हम ये बस ये देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या था, निकालना हमें क्या था, हमारा कर्ण पी से कितना अधिक है। तो 2p में जब हम पी माइनस करेंगे तो पी तो मिलेगा, और वो यहाँ से वैल्यू पी की ही निकल के आ रही है, यानी कि अब हमें कुछ नहीं करना, इसका अंडर रूट निकाल लेना है, तो किसके पास होगा, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 20 है, 22 है, 26 है और 24 है, तो ये जो अंडर रूट निकलेगा किसके पास है, 676। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 26 के आसपास होगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष की छवि को एक दर्पण में देखता है जो लैंप पोस्ट के पैर से 6.6 मीटर दूर है। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं कि ये एक हमारा लैंप पोस्ट है, और क्या है, उसकी जो छवि को एक दर्पण में देखता है, यहाँ पर कहीं दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो इसकी डिस्टेंस बता रहा है वो बता रहा है 6.6 मीटर। आगे चलते हैं, एक आदमी की ऊंचाई 1.5 मीटर है और वह दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है, यह मानते हुए कि दर्पण को आकाश और आदमी की ओर
मुंह करके जमीन पर रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा व्यक्ति जो है वो यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है, और जब हम ऐसे इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसे मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी इसकी हाइट कितनी है, 1.25 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है कितना, वो दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है वो आदमी, यानी कि ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी, 6.6 मीटर है। हमें निकालना क्या है, ये एच निकालना है। आप समझ गए फिगर को अच्छे से, अब कुछ नहीं करना, केवल हमें यहाँ पे सिमिलरिटी लगानी है। एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और एक दूसरा ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल, बस कुछ नहीं, रेशियो लगा देते हैं यहाँ से। बड़े वाले में हाइट कितनी एच, छोटे वाले ट्राइंगल में कितनी हाइट, 1.25 बराबर। बड़े वाले की साइड ये कितनी, 6.6, और छोटे वाले की हाइट कितनी, ये हाइट, ये कितनी डिस्टेंस उसकी, 2। और आगे सॉल्व कर देंगे तो एच बराबर क्या निकल आएगा, यहाँ से 3.3 हो जाएगा जब इसको कट करेंगे, into 1.25। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एच बराबर क्या निकलेगा, 33 का डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 33 into 5 165, यानी कि 5, और हासिल हमारे 16 लगे, 33 दूनी 66, और 66 16 82। ठीक है, और 8 बचा, 33 1 33, 33 और 8 41, दशमलव कितने अंकों बाद, 2 3 अंकों बाद, 4.125। तो सबसे पास में इसकी वैल्यू कौन सी, 4.125 की वैल्यू सबसे पास में कितनी, ये तो 4.28 है, 4.45 है, 3.97 है, कोई है ही नहीं, 4.13 ये सबसे पास में है, किसके, 4.125 के। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। आप लोग इसको समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हमारे सीजल में भी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घनाभ की भुजाएं 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई वाले भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घनाभ का लगभग आयतन क्या है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का इशू था, तो इसको कैसे करना है वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन आसान है, एक घनाभ दिया हुआ है और उसकी भुजाएं 3 4 L B H कितना दी हुई है, 3 4 और 5 में, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि अगर हम इसमें देखते हैं, इनको यक्स 3 यक्स कर लेते हैं, 4 यक्स, और इसको 5 यक्स, तो जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2, अंदर कितना, LB + BH + HL, तो LB कितना हो जाएगा, 4×12 x² + BH, 4×20 x² + HL, यानी कि 5×15 x², ये किसके बराबर है, 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6A² ए वहां पर भुजा, यानी कि 6 × 6² समझ गए। आगे और चलते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, 12 20 12 32, और 32 और 15 47, 47 × 94, 94 x² बराबर चतुरंग 36 शंका 216, x² बराबर क्या मिलेगा, 216/94, और इसको कट कर लेते हैं, हमारा क्या 2 से कट करेंगे तो 108/47 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ दशमलव में आएगा, तो हम इसको क्या कर लेते, थोड़ा सा इसको क्या कर ले, हम 48 कर लेते हैं, 48 कर लेते हैं 47 को, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, और उस पर आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम इसको क्या है कि अगर कट करते हैं तो 16 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 16 16 से नहीं, 8 से काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 3 से काटते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 36, और यहाँ पे आ गया हमारा 16। ठीक है, ये क्या है, इससे क्या है, हमें पूरा पूरा स्क्वायर यहाँ पे मिल गया, और आगे कट कर लें अगर इसको हम, तो ये 4 से, तो 9/4, इससे हमारा क्या निकल आया, जब एक्स से यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया हमने, 3/2 मिल गया, एक्स की वैल्यू हमें 3/2 मिल गई।
अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम 47 की जगह 48 किया था, ठीक है। और ये हमारा कुछ आंसर कम ही निकलेगा। कम क्यों निकलेगा, क्योंकि हमने डिवीजन जो है उसको बढ़ाया था, डिवाइड करने वाले को हमने इसको वैल्यू बढ़ाई थी, ठीक है, जिससे हमारा ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। तो जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा कम निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या कर देना है, आयतन निकालना है, तो एल बी एच कर देना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12 = 65, और एक्स क्यूब, क्योंकि 3 बार x है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी, 3 × 3 = 27, 27/8, 4 से कट कर दिया, 4 × 2 = 8, और 4 × 15 = 60, और 27 × 15, ठीक है, 27 × 15 करेंगे कितना निकल के आएगा, 405, और / 2, यानी कि हमारा निकल के आ गया 202.5, ठीक है। और ये हमारा आंसर जो भी है एक्चुअल आंसर से थोड़ा पास में है और उससे कम है। तो हमारे इसके पास में कौन सा आंसर पड़ रहा है, ऑप्शन ए बहुत दूर है, ये भी दूर है, सबसे पास में होगा उसको हम लेंगे, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से निकल आया। तो जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव हो रहा था उसको हमने कैसे आसान किया, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए कि AD एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, AC एक छेदक रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर मिलती है, और CD व्यास है। यदि AB का मान 7 सेंटीमीटर है तो AC का मान क्या है। यहां पर हम क्या है, एक वृत्त बना लेते हैं, हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। AD एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। AD इसकी एक स्पर्श रेखा है, ये कोई स्पर्श रेखा इसमें जा रही है, ठीक है, और AC एक छेदक रेखा, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है जहां से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींची जा रही है, तो ये A हो गया और ये D हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छेदक रेखा खींचते हैं, AC एक छेदक रेखा है, AC एक छेदक रेखा है, ठीक है, जो कि वृत्त को बिंदु B पर मिल रही है, आप समझ गए, और D पॉइंट हम यहां पे ले लेते हैं, ठीक है, जो स्पर्श बिंदु है वो हम D ले लेते हैं। यदि AB का मान 7 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CD व्यास है, यानी कि CD हमारा व्यास है और ये केंद्र से होके जा रहा है, ये आप समझ गए, और ये AB 7 है और AD जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि टोटल हमारा ये व्यास कितना हो जाएगा, 12। AC का मान बताना है हमें, ये टोटल मान बताना है, ये हमें टोटल वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पे दो कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और एक स्पर्श रेखा का नियम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि ये हमारा कर्ण हो जाएगी, ये आधार और ये ऊंचाई, बस पहले कर लेते हैं, तो क्या निकलेगा हमारा, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 + AD² बराबर, ये टोटल कितना, AB + BC, यानी इसको मान लेते हैं x, यानी कि 7 + x² ये चीज आप समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लगा दिया, और एक स्पर्श रेखा से लगा देते हैं। तो जब एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचते हैं तो इस क्या रूल होता है, AD² बराबर AB × AC, ठीक है, तो वही सेम करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, AD² बराबर AB हमारा कितना है, 7, और × AC, यानी कि AC कितना हो जाएगा, 7 + x, ठीक है। तो जो ये AD का मान है वो हम इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ठीक है, तो ये इसको हम थोड़ा सा ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 144 + AD² बराबर क्या निकल के आएगा, 7 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई, तो 7 × 49 + 7x बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे, 49 + x² + 14x, ठीक है, 49 से 49 हमारा कट गया, और आगे सॉल्व करेंगे, 144 ये जो है पूरी वैल्यू हम राइट हैंड साइड पे ले गए, इसको यहाँ पे कर देंगे हम, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, x² और क्या, ये सात
सात एक्स जो है 14x में माइनस हो जाएगा, तो प्लस हमारा 7x बचेगा। ओ ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस 7x बचेगा, प्लस यहाँ प्लस नहीं माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, ये 144 जो यहाँ पर था वो दूसरी साइड पहुँच जाएगा, तो माइनस 144 बराबर 0। अब हम इसको तोड़ लेंगे आसानी से, हमारा मिल जाएगा क्या, 16 और 9, 16 माइनस 9 आएगा। यहाँ पर 16 जब निकालेंगे तो माइनस का निकलेगा, तो यक्स की वैल्यू वो नहीं हो सकती, तो यक्स की वैल्यू हमारी एक निकल के आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 9। यह चीज़ समझ गए, तो यक्स बराबर 9 निकल आया हमारा, यक्स बराबर जब 9 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो टोटल हमारा AC का मान क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स 7/25 माइनस कॉस इनवर्स 15/17। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या है, अगर इसमें हमें फॉर्मूला नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या, एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस y² ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन का पता हो, कॉस का पता हो, या फिर टेन का पता हो, जिससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें सीधा इसमें क्या है, वैल्यू रखेंगे, हमारा उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये हमारा यक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया, तो हम रखते हैं इस पे वैल्यू, कॉस इनवर्स अंदर क्या आ जाएगा, 7/25 एक्स वाई करना है इंटू 15/17 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² यानी कि 1 माइनस x कितना, 7/25 का स्क्वायर कर देंगे तो 49/625, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, या दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस y² यानी कि 15/225/289। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले लाइन पे, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 7 = 105, और 25 × 17 करेंगे कितना निकल के आएगा, 425 प्लस 625 − 49 यानी कितना आ जाएगा, 576, और वो किसका स्क्वायर होता है, 24 का / यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 289 में 225 जाएगा, 64 बचेगा, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 17 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे और चलते हैं, कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 प्लस 24 अट्ठे आ जाएगा 192, और नीचे यहाँ पर भी उतना हो जाएगा 425, दोनों के नीचे 425, तो यहाँ से हमारा निकल आया कॉस इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, 297/425। बट हमारा कोई भी ऑप्शन सही इसमें नहीं निकल रहा, क्योंकि अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा साइन में या कॉस में, तो है ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, टेन में या कॉट में, जिससे जिसमें ये सेटिस्फाई हो जाएगा वही आंसर हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए कि जैसे हम करते हैं क्या है कि अगर हम लिख दें कि यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, इसके बराबर थीटा दिया हुआ है, अगर हम इसमें कॉस और टेन के मान निकाल तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, जिससे हमारा ये हो जाता है कितना, साइन थीटा बराबर 3/5। अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं तो उसी हिसाब से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 हमारा लंब में होगा, 5 हमारा कर्ण होगा, इसको हम 4 निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कॉस कॉस की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर कितना निकल आएगा, 4/5, और यहाँ से अगर निकाला जाए थीटा बराबर, तो कॉस इनवर्स 4/5,
इसी तरीके और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, अगर हम दूसरे तरीके से निकालें, टैन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, टैन इनवर्स 3/4। तो ये हमारा तरीका है कि हम कैसे निकालेंगे इसको त्रिभुज में रख के, बाकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चीज़ आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर देते हैं। ये नहीं हो रहा है क्लीन, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि चलिए तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो आंसर निकल के आया था हमारा, वो निकल के आया था कॉस इनवर्स 297/425। अगर हम इसको एक ट्राइंग इसको इक्वल में हम थीटा कर लेते हैं, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा कॉस थीटा बराबर 297/425। यानी कि अगर हमारा ये थीटा होता तो ये 297 निकल के आएगा और ये 425 निकल के आएगा, ठीक है। अब हम इसको, हमें ये वैल्यू चाहिए अगर हमें सभी ऑप्शन में ट्राई करना है, तो ये वैल्यू जो है, अब हम यहाँ पे निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, सीधा हम ऑप्शन में देखते हैं कि तीसरी वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ मिल रही होगी, तो 304 मिल रही, तो सीधा हमें मिल गया कि लंब जो होगी 304 होगी, ठीक है, 304 आ गई। बस अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें सेटिस्फाई करेगी। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, साइन इनवर्स 304/425, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 304/425 है यहाँ पर, साइन थीटा बराबर 304/425 बिल्कुल है। तो ऑप्शन एक ही हमारा सही यहाँ पे मिल गया, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए, इसी पैटर्न पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ समझनी है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको क्लियर करने में। चलिए तो ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर इसी तरीके यहाँ पे प्लस होता तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो भी आप समझ लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वहां पे माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा और बाकी सब सेम होगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरीके टैन में भी होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज होती है, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, समझ गए, सीधी सी चीज है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर हम माइनस कर देते और यहाँ पर प्लस कर देते, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। MN बराबर 36 सेंटीमीटर, MT बराबर 36 सेंटीमीटर और NT बराबर 48 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज MNT की भुजा MT का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं MNT, ठीक है, M N और T। MN 36 दिया हुआ है, MT भी 36 दिया हुआ है और यहाँ पर NT जो है 48 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है कि भुजा वाले MNT की भुजा MT भुजा का शीर्ष लंब, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये शीर्ष लंब है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए, हम सबसे पहला तरीका यही है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालें और फिर ट्राइंगल का एरिया बराबर करके 1/2 बेस इंटू हाइट कर दें, जो कि इसके हाइट हमारी ये ले लेंगे, उससे कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका हम सोच सकते हैं, क्या अगर हम इसमें एम से एक शीर्ष लंब खींचते सामने वाली भुजा पर, एंटीक पर अगर हम ये खींचते
तो ये समझिए कि ये अगर दोनों साइड जो हैं ये बराबर हैं और उसी शीर्ष से हम इस पे सामने वाली भुजा पे लंब खींच रहे हैं, तो ये इसको बराबर बराबर ही कट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हो जाएगा 24, और 24 में कट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब हम क्या देख लेते हैं इस ट्राइंगल में, इसको हम मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लें, हम यहाँ पे पी मान लें, ठीक है। तो ये जो हमारा एम एन पी जो ट्राइंगल होगा, इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं, तो हम ये हाइट नहीं निकाल सकते इसकी, बिल्कुल आसान सी चीज है। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ये 36 है, ये 24 है, यानी कि ये 12 × 2 है और ये 12 × 3 है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना होगा, 3 × 2 = 9, 9 में 4 गया 5, यानी कि √5, और 12 12, यानी कि ये साइड, ये हाइट हमें निकल गई आ गई कितनी, 12 √5। एरिया क्या निकल गया जाएगा इस ट्राइंगल का, 1/2, बेस कितना 48, और हाइट कितनी, हाइट तो हमें मिल गई 12 √5। कोई दिक्कत यहां से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर हम ये बेस लेते तो हमारा एरिया कैसे निकलता, तो ये अगर हम ये बेस लेते एम टी, तो 1/2, बेस कितना 36, और हाइट क्या लेते हैं, इसको मान लो क्यू, ठीक है, एन क्यू ले लेते हैं, यही हमें एन क्यू चाहिए। तो यहां से 1/2 1/2 कट गया, 12 × 3 = 36, और 3 से इसको काटा हमने 16, ठीक। तो एन क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 16 √5। यही हमें निकालना था। ऑप्शन जो दूसरा है इसका बिल्कुल सही हो गया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। यदि टेन ए बराबर ए टेन बी और साइन ए बराबर बी साइन बी है, तो कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। कैसे, ए बराबर कितना हो जाएगा, यहां से टेन ए अपॉन टेन बी, ठीक है। इसी तरीके बी की वैल्यू क्या निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी साइन ए अपॉन साइन बी, ठीक है। अब इसमें हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्यों, सिंपल सा है, ए और बी की वैल्यू कुछ रख देते हैं। हमने यहाँ पे सोचा ए की वैल्यू हमने 45 रख दी डिग्री, और बी की वैल्यू हमने 30 डिग्री रख दी, जिससे हमें कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई जीरो होगा या वो होगा, कोई टेंशन नहीं होगी यहाँ से। इस कारण हमने ए 45 लिया और बी 30 डिग्री लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन ए 45, 1 और 1 डिवाइड बाई कितना, टेन बी, टेन 30 के मान कितना, 1/√3, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल आई, √3। आगे इसको करते हैं, साइन ए यानी कि 1/√3, 1/√2 tan 45, और साइन बी यानी कि sin 30, 1/2, 2 ऊपर ले जाएंगे, हमारा बचे कितनी, √2। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई √3 और बी की वैल्यू मिल गई √2, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए कितनी की वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए की। तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए निकालें, कॉस स्क्वायर ए का मान 45 डिग्री, तो हमें कितना मिल जाएगा, कॉस 45, 1/√2 स्क्वायर कर देंगे तो 1/2, यहाँ से हमारा निकल आया 1/2। अब हम ये ए और बी की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में पुट अप करेंगे, जिसमें भी हम सॉल्व करने से 1/2 निकल आएगा, वही आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए रखते हैं, पहले में रखते हैं बी, बी की वैल्यू कितनी, 2√2 स्क्वायर किया, 2 − 1, ए 3 − 1, यानी कि 1/2। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ये हमारी किस्मत अच्छी थी, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे के ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर चेक करना चाहते हैं आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो गया। ये तरीका भी अच्छा है, आप लोगों को पसंद आया होगा, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है, हमें इसमें सॉल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार समझ गए तो। एक अधिकोण त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अधिकोण त्रिभुज होता क्या है, दोनों कोण समझते हैं। ये हमारा एक जो बन गया, ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, कि इन दोनों भुजाओं को बिना वो किए हुए, इनकी हाइट, इनकी जो लंबाई है, इनमें कोई परिवर्तन न किए हुए हम केवल कर्ण को बढ़ा दें,
तो हमारा जो है अधिकोण त्रिभुज बन जाएगा। समझ गए होंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसको कुछ ऐसे बनाएं, ठीक है, ए बी सी ऐसे था पहले, फिर हमने इसमें ए बी सी ये बना दिया, ठीक है। इसकी सबसे लंबी भुजा ए बी की लंबाई कितनी है? 50 है, और अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 42 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 294 है, एरिया हमें 294 दिया हुआ है। तो इसमें तीसरी भुजा हमसे पूछ रहा है, ये तीसरी भुजा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये समझते हैं, यहाँ पर अगर मान लेते कि अगर ये 50 होती, ये 42 होती, ठीक, तो हमारी ये क्या निकलती, तो हम इसमें क्या करते, स्क्वायर करके इसको माइनस कर देते, हमारा निकल आता है। यानी कि हमें ये पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है उसके कर्ण के स्क्वायर के। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कर्ण बढ़ा दिया है तो क्या होगा, हमारी जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा उसके अलावा जो दोनों भुजाओं का स्क्वायर का सम होगा वो बहुत कम होगा। कम होगा, कितना भी कम हो लेकिन कम होगा। तो बस हमें यहाँ पे एक यक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे इसका स्क्वायर और उस संख्या का स्क्वायर जो भी है वो इससे अधिक नहीं निकले, ना बराबर हो और ना इससे ज्यादा हो, यानी कि इसका और स्क्वायर स्क्वायर का सम कम आना चाहिए। कैसे? क्योंकि यहां पर आप समझ गए कि हमने इसको बढ़ाया जब, तो हमारी इन इनकी साइड की जो लेंथ थी, हाइट और जो हमारी जो बेस था, इसकी इसकी जो हमने लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जबकि हमने इसका जो डायगोनल था उसको बढ़ा दिया, ठीक है। तो बस यही चीज हमें यहां पर देखनी है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होता है, 2500। इसका स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 8 कम है, यहाँ पे 64 लिख दिया, और 42 में 8 कम किया 34, 34 का आधा 1764, 1764 ये हो गया, 2500 ये है। यानी कि अगली जो भुजा होगी उसका स्क्वायर इतना आएगा कि जो कि 2500 से कम होना चाहिए, उनका टोटल दोनों का, उन भुजाओं का दोनों का टोटल 2500 से कम होना चाहिए। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 58। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल है कि इसमें हमारा 200 से ज्यादा आएगा, मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप लोगों को डाउट है तो हमारा आंसर तो वैसे मिल गया है यहाँ पर, लेकिन आप दूसरों को भी चेक कर सकते हैं अगर हम इसमें इसको चेक करना चाहें, तो ये हो जाएगा 64 × 35, 35 × 41 = 14, और 35 छक्का कितना, 210, और 210 × 14 224, 2240 ये हो गया, और 1764 ये हो गया, 2500 से ऊपर ये तो हो गया। जब 8√35 ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा और ये भी ज्यादा होगा। बस हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल सही हो गया। हमें इतना कुछ करने की सब जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बेसिक कुछ पॉइंट थे जो कि आपको समझाने की जरूरत थी कि अगर हमारा अधिक कोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर होगा वो दोनों भुजाओं बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से अधिक होगा, ठीक। बस ये पॉइंट यहाँ पे समझाने वाली बात थी, आप समझ गए होंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा रहा सेशन ये आप जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप डायरेक्ट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सीधा उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9554793782। आप इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके किसी भी क्वेश्चन का, अगर आपको समस्या हो रही है तो आप इस पे आप मैसेज कर दीजिए उस क्वेश्चन को, और मैं उसको सॉल्व करने के प्रयास करूंगा, और जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन करके सेंड कर दूंगा वापस। तो चलिए, आज का सेशन कैसा रहा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद।